नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज महागठबंधन की ओर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। महाधरने का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पार्टियां जो हैं वो शामिल होंगी। कल आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने हमसे बातचीत के दौरान भी ये साफ कहा था कि सभी पार्टियाँ इसमें शिरकत कर रही हैं। शाम होते होते तक उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की मुलाकात होती है। आरजेडी की ओर से भी फिर बयान निकल के आता है कि आरजेडी इस महाधरना को समर्थन दे रही है। कांग्रेस की ओर से भी बयान निकल के आता है कि कांग्रेस भी इसे समर्थन दे रही है। वीआईपी पार्टी हो, रालोसपा के चीफ जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो सभी लोग आज सड़क पर उतरेंगे। उससे पहले जरा सुनिए कल उपेंद्र कुशवाहा ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। कार्यक्रम है बिहार के सभी जिला मुख्यालय में महागठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम है। जोरदार प्रदर्शन होगा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में। सभी पार्टीज के लोग, महागठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शामिल रहेंगे। और बिहार सरकार का रवैया, भारत सरकार का रवैया, जिससे जनता अब लगभग ऊब चुकी है, इसको लेकर जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में काफ़ी सफलता मिलेगी, इस बात का आसार दिख रहा है। क्योंकि लोग ऊब चुके हैं, लोग अब चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का जो शासन है वह एक मिनट भी न रहे। इसलिए उसका दिखेगा कल कि किस रूप में लोग सड़क पर उतरते हैं। सभी पार्टियों से सहमति बन गई? हाँ, सब पार्टी से सहमति बन गई, ऐसा नहीं, सहमति तो पहले से है। ऑलरेडी बापू सभागार में सब दल के लोगों ने सामूहिक रूप से घोषणा किया था, और तब से इस कार्यक्रम में सब लोगों को रहना है, यह बात साफ है। उसमें महागठबंधन की सभी पार्टी के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी, तो सब लोग मिलकर पहले ही से सहमति बना चुके हैं, कोई नई सहमति बनने की बात नहीं है। कार्यक्रम जो है उससे इस बात का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इस बात का रिलेशन महागठबंधन के संचालन से है, जो मांझी जी या कोई व्यक्ति बोल रहे हैं। अब इसके लिए अगर कोई बात है तो महागठबंधन के अंदर बात होगी, इसमें मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों पर चर्चा की जाए यह मुनासिब नहीं। तेजस्वी जी लगातार बाहर है, पटना से ही बाहर है, हर एक प्रदेश से बाहर है, चाहे कोई भी यहाँ विपत्ति हो, आपदा हो, तेजस्वी जी नहीं रहते हैं। कितना असर पड़ेगा महागठबंधन पे तेजस्वी जी के नहीं रहने से? नहीं, देखिए, अब व्यक्तिगत भी आदमी को कुछ परेशानी रहती है। अब जिस समय डूबा हुआ था पटना बिहार, उस वक्त मैं भी डेंगू फीवर से पीड़ित था, हम भी नहीं शामिल हो सके। तो व्यक्तिगत कारण हर नेता का कुछ कुछ होता है, उसके चलते कभी कोई है नहीं है। लेकिन उसके इसमें यह कह देना कि गायब हैं, गायब रहते हैं, यह ठीक। तो आपने सुना, महाधरने से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं हुंकार भरी है। जितना मांझी उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है, अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी की ओर से भी जो नेता होंगे वो देखने वाली बात ये होगी कि सड़क पर जब उतरेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं। क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले क्या झारखंड में जिस तरह से लोजपा हो, जदयू हो, भाजपा हो, ये सभी जितने एनडीए के घटक दल हैं वो सभी जब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसको भी क्या उजागर किया जाएगा, इस पर भी कुछ बातें रखी जाएंगी या नहीं? आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, दोपहर होते होते तक जो लोग सड़कों पर उतरेंगे उन सभी से हम बात करके आप तक पहुँचाएँगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।